बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 15th लेक्चर फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, लोशन एंड लिनिमेंट्स। सबसे पहले लोशन पढ़ते हैं। लोशन क्या है? लोशंस आर दी एक्वस प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। क्या है ये? लोशंस जो है एक्वस प्रिपरेशन है और ये लोकल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। दे मे बी सस्पेंशन और दे मे बी इमल्जन और वेरी सिंपल सॉल्यूशन। लोशन जो है वो इमल्जन भी हो सकती हैं, इसमें फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स हो सकते हैं दैट इज़ सस्पेंडेड इन द लिक्विड व्हीकल और दे मे बी इमिसिबल लिक्विड्स टू इमिसिबल लिक्विड्स दैट आर इमल्जन्स और दे मे बी सिंपल सॉल्यूशन। सपोज़ करें वो लोशंस जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है एंड सम टाइम जो है ना कोई टैबलेट है, टैबलेट को हमने जो है ना डिसॉल्व किया, उसको फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स में वो तोड़ फोड़ लिया, उसके बाद जो है उसको हमने किसी व्हीकल में वो हल कर लिया, डाइल्यूट कर लिया, तो ये आपका सिंपल सॉल्यूशन बन गया। लेकिन सम टाइम लोशन जो है ना वो इमिसिबल लिक्विड भी हो सकते हैं और ये आपके सस्पेंशन के फॉर्म में भी हो सकते हैं। फाइनल डिवाइडेड पार्टिकल्स जिसमें इनसोल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं दैट इज़ डिसॉल्व बाय द सस्पेंडिंग एजेंट और या फिर ये इमल्सिफाइंग एजेंट भी हो सकते, इमल्सिफाइंग एजेंट भी यूज़ हो सकते हैं अगर ये इमल्जन के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इसको जो है अप्लाई कैसे किया जाता है? लोशंस एक्वस सॉल्यूशन होते हैं फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन बट दे आर अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ अ गॉज, कॉटन और द स्वैब। ठीक है, लोशन जो है ना वो आपके एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए है। दे आर डायरेक्टली अप्लाई टू द स्किन बट विद द हेल्प ऑफ एन एब्जॉर्बेंट। कोई एब्जॉर्बेंट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई गॉज भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द एप्लीकेशन टू द स्किन। खसूसी तौर पे वो जिनका हमें हो कि वो क्या है, हाइग्रोस्कोपिक है या उसमें जो है ना कूलिंग और ये सूदिंग इफेक्ट के लिए जो ना उसमें अल्कोहल वगैरह का एडिशन है। अच्छा, आपका जो लोशन है इसकी एप्लीकेशन ये आपको किस लिए इस्तेमाल होता है? प्रोटेक्टिव एक्शन। सपोज करें आपके कुछ सन ब्लॉक लोशंस हैं दैट आर अप्लाइड ऑन द फेस, दे गिव यू द प्रोटेक्टिव एक्शन। तो लोशन जो है ना वो आपको प्रोटेक्टिव एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ वो एक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर टू, लोकल कूलिंग एंड सूदिंग इफेक्ट। लोकल कूलिंग एंड सूदिंग इफेक्ट के लिए आप अल्कोहल में लोशंस में क्या ऐड कर सकते हैं? अल्कोहल भी ऐड कर सकते हैं। अल्कोहल का एडिशन होता है तो इसकी वजह से जो है ये क्या कहता है, सूदिंग एंड कूलिंग इफेक्ट देता है और उसकी वजह से जो है ना इसको ये स्किन क्या करता है, आपकी आपकी स्किन पे कुछ देर तक सस्टेन रहता है। दूसरा है ग्लिसरीन भी आप वो ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं, अल्कोहल भी ऐड कर सकते हैं। ग्लिसरीन जो है ना वो आपकी ज़्यादा देर तक इंटेक्ट रहेगी ग्लिसरीन को और वो आपकी स्किन को मॉइस्ट करने के लिए भी यूज़ होती है ग्लिसरीन टू कीप द स्किन मॉइस्ट। क्योंकि लोशन है, लोशन में फिर सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं कि आपके जो है ना वो जो आम डेली यूज़ में कुछ लोशंस हैं, आपके सन ब्लॉक्स हैं, आपका कैलामाइन लोशन है दैट इज़ यूज फॉर द स्किन इचिंग इरिटेशन स्किन डिजीज, सैलिसिलिक एसिड लोशन है, जिंक सल्फेट लोशन है जो कि आपके नेपी रैश वगैरह के लिए यूज़ होता है जिंक सल्फेट लोशन। थेरापेटिक एक्शन एक्शन उसमें आपके फॉर एग्जांपल सन बर्न स्किन डिसऑर्डर इंसेक्ट बाइट एक्ने वगैरह थेरापेटिक एक्शन के लिए जो यूज़ होते हैं कुछ लोशन, उसमें आपका जैसे स्किन सन बर्न के लिए कैलामाइन लोशन इस्तेमाल होता है। ये क्या है? इसका थेरापेटिक एक्शन है। सन बर्न के लिए आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, सन ब्लॉक लोशन का इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है? इसका थेरापेटिक यूज़ है। सम लोशंस आर यूज फॉर द स्किन बाइट, इंसेक्ट बाइट, कोई स्किन पे बाइट कर दिया, कोई इंसेक्ट वगैरह है उसकी बाइटिंग की वजह से, तो कुछ उसके लिए थेरापेटिक पर्पज़ के तौर पर यूज़ होते हैं। इसके प्रिकॉशंस क्या है? कोई भी जो भी आपका लेबलिंग है उस लेबल पर ये मेंशन हो कि शेक वेल बिफोर यूज़। अगर वो सस्पेंशन फॉर्म में है तो उसे आपको शेक वेल करना पड़ेगा, इमल्जन है उसको भी आप शेक वेल बिफोर यूज़, और ये क्लियरली मेंशन हो उस पर कि फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव भी ऐड किए जा सकते हैं टू रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
अब आ जाए लिनिमेंट्स पे. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोशन एंड लिनिमेंट्स. लोशन जो है ना वो आपके एक्वस सॉल्यूशंस हैं. सम हाउ अकॉर्डिंग टू थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन उसमें हम ऐड कर सकते हैं एल्कोहल का, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर लोशन में जो है ना एल्कोहल का एडिशन हो. बट लिनिमेंट्स में आपके एल्कोहल और ओलिजिनस प्रिपरेशन होती हैं, वेरियस मेडिसिनल सब्सटेंसेस. लिनिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है कि दीस आर दी एल्कोहलिक और हाइड्रो एल्कोहलिक और ओलियोजिनस प्रिपरेशन ऑफ द वेरियस मेडिसिनल सब्सटेंसेस इंटेंडेड फॉर स्किन एक्सटर्नल एप्लीकेशन विद द रबिंग एंड फ्रिक्शन. लिनिमेंट लोशन को आपने एक्सटर्नली अप्लाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ कॉटन गॉज और एब्जॉर्बेंट. बट लिनिमेंट्स जो है उसकी एप्लीकेशन के लिए आपको ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिनिमेंट्स को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, फ्रिक्शन और रबिंग चाहिए ताकि वो क्या हो जाए आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए. एग्जाम्पल क्या होगी इसकी, कोई फ्रैक्चर वगैरह होता है, आइडेक्स बाम वगैरह होती है, आप अनटिल अप्लाई करते हैं जब तक क्या हो जाए रेडनेस जो है वो क्रिएट हो जाए, ताकि ये क्या हो जाए एक तो एब्जॉर्ब भी हो जाए और एब्जॉर्ब होने की वजह से वो जो उसका एक्शन है वो भी क्या होता है फिर काउंटर हो जाता है. जब वो एब्जॉर्ब होगी रबिंग की वजह से जो एक्चुअल जिस आप फिनोमिना के लिए अगर पेन के लिए पेन है फ्रैक्चर है उसकी वजह से आपने अप्लाई किया तो उसके अप्लाई करने की वजह से वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, अपना थेरेप्यूटिक एक्शन प्रोड्यूस करेगी और उसके बाद जो है ना उसका एक्शन क्या हो जाएगा काउंटर हो जाएगा, फिर वो थेरेप्यूटिक एक्शन प्रोड्यूस करेगी. तो इसका लिनिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, दीस आर दी एल्कोहलिक और हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन ऑफ द वेरियस मेडिसिनल सब्सटेंसेस दैट आर अप्लाइड एक्सटर्नली विद द रबिंग एंड फ्रिक्शन. ये प्रॉपर डेफिनेशन है, क्लियर है. दीज आर द लिक्विड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन एंड कैन बी सोल्यूशन सस्पेंशन और इमल्जन. रूबीफेशन एक्शन क्या है, इट प्रोड्यूसेस द कंजेशन एंड रेडनेस टू द एरिया वेयर दे आर अप्लाइड. रूबीफेशन एक्शन क्या है कि उसको आपने फ्रिक्शन करना है, फ्रिक्शन के साथ अप्लाई करना है तो उसकी वजह से वहाँ पे ये रेडनेस प्रोड्यूस होगी. रेडनेस की वजह से जो है ना वहाँ पे आपका जो वो पेन रिलीव है वो कम हो जाएगा और उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगी कंजेशन भी हो जाएगी, मज़ीद पेन स्टिमुलस नहीं आएगा, कंजेशन करेगा. इरिटेंट ये एज एन इरिटेंट भी यूज़ होता है, ये डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है किस पे, नॉन ओपन वाउंड्स पे. जैसे फ्रैक्चर है आपने उस पर अप्लाई किया तो ये क्या करता है रेडनेस प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये इरिटेशन की वजह से ये क्या कर सकता है इरिटेंट होता है, रेडनेस और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन जो है ना आप इसको ओपन वाउंड्स पे अप्लाई नहीं कर सकते. फॉर थेरेप्यूटिक पर्पज़ ये भी रिक्वायर्ड है कि आपने जो है ना आप पेन है तो आपने इसको अप्लाई किया तो वो रेडनेस तो कॉज करेगा ना, लेकिन वो आपका पेन रिलीफ भी कर देगा, जैसे कि आयोडेक्स बाम की एग्जांपल है. टू टाइप्स ऑफ व्हीकल यूज. काउंटर इरिटेंट का मतलब वही है कि आपने जो है ना उसे रबिंग के साथ अप्लाई किया तो वो काउंटर इरिटेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, उसे आपका जो है ना जो भी अफेक्टेड एरिया है उससे रिलीफ मिलेगा पेन से. अच्छा व्हीकल इसमें अल्कोहल हाइड्रो अल्कोहलिक ओलिजिनस सब्सटेंसेस. ओलिजिनस जो है ना वो हाइड्रोकार्बन सॉल्यूशंस होते हैं, वो अप्लाई किए जाते हैं. इसका मकसद क्या है कि वो आपकी वो है ये वाटर के साथ इजीली रिमूव ओलिजिनस. आयोडेक्स बाम है, अब अगर आप उसको वॉश करें तो वो रिमूव हो जाती है ईजिली, नहीं होती. इसकी वजह यह है कि इसमें जो है ना ओलिजिनस व्हीकल इस्तेमाल होता है दैट इज़ नॉट ईजिली वॉशेबल एंड नॉट ईजिली वॉशेबल विद द वाटर.
ठीक है। ओलिजिनस सबसे ये जो है ना आपकी स्किन पे इंटेक्ट रहता है, ज़्यादा टाइम के लिए आपकी स्किन पे मौजूद रहता है और वाटर से इजीली वॉश नहीं होता। प्रिकॉशंस क्या है इसकी? प्रिकॉशन ये है कि लिनामेंट्स शुड नॉट बी अप्लाई टू द ब्रोकन स्किन, क्योंकि आपने फ्रिक्शन के साथ अप्लाई करना है, रबिंग के साथ अप्लाई करना है, ओपन वूंड्स पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये लिनामेंट्स की प्रिकॉशन है। इट शुड बी अप्लाई टू द अफेक्टेड एरिया बट नॉन डीप सीटेड वूंड, के आपके बहुत गहरे वूंड्स हैं उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ये प्रिकॉशन है। स्टोर लेबलिंग इसके लिए भी यही प्रिकॉशन है कि शेक वेल बिफोर यूज एंड क्लियरली मेंशन के फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। द कंटेनर मस्ट बी, अच्छा दे मस्ट बी स्टोर इन अ टाइटली क्लोज कंटेनर, दे मस्ट ऑल्सो बी स्टोर इन अ टाइटली क्लोज कंटेनर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल और हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशंस। ये हमारा लेक्चर आज का। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस के बाद जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन हो जाती है। मॉडिफिकेशन होने के बाद वो आपकी बॉडी में डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे आपके आपने जो है ना कुछ एंजाइम्स हैं वो भी आपके प्रोटीन इन नेचर हैं, कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, कुछ वो रिएक्शंस जो कि हॉर्मोन्स की प्रेजेंस में हो रहे होते हैं, तो वो भी जो है ना आपके अमाइनो एसिड्स की मौजूदगी में हो रहे होते हैं। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड टोटल 9 हैं, सिट्रोलिन, ऑर्निथिन, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, बीटा एलिलीन, पेंटोथेनिक एसिड, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ये वो अमाइनो एसिड है जो कि आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड ये आपके ब्रेन में और टिश्यू में, और ये जो है ना एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर काम करता है। ये किसके तौर पे काम करता है? न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करते हैं? जो कि आपके मैसेजेस को लेके जाते हैं। सपोज़ करें कि आपको जो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं, सपोज़ करें कि आपने जो है ना वो गर्म एक कोई चीज़ जो है ना वो गर्म थी, आपने जो हाथ लगाया तो आपका न्यूरो ट्रांसमीटर के ज़रिए जो है ना फ़ौरन से जो स्टिमुलस है वो आपके दिमाग में जाएगा कि ये चीज़ गर्म है, ये कड़वी है, ये ख़राब है, ये आपको नहीं खानी है, तो वो क्या कहलाते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। तो गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड जो है ना वो आपके ब्रेन में और कुछ टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है और ये एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर काम करता है। इसी तरह से डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलिलीन ये भी जो है ना आपके टिश्यू में प्रेजेंट होता है और कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उसके अमल में आपका डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलिलीन बनता है। अच्छा इसके एल डोपा भी बनता है। एल डोपा क्या होता है? ये भी आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। पार्किंसन डिजीज़ का नाम सुना है आपने? पार्किंसन डिजीज़ वो होती है जो कि इस अमाइनो एसिड की कमी की वजह से हो जाती है। आपका जो कुछ जो है ना आपकी बीमारियां जो हैं, पार्किंसन डिजीज़ वो डिजीज़ होती है कि इस अमाइनो एसिड की कमी की वजह से होती है। उसमें आपकी जो बॉडी है उसमें जो है ना शिवरिंग, चक्कर आना, ये आपकी जो है ना आप इसको रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकते आप, इसलिए जो है ना ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी मिकदार कम या ज़्यादा हो जाए तो आपका जो वो मैकेनिज्म है ब्रेन में वो डिस्टर्ब हो जाएगा। होमोसिस्टीन आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड, आयोडीनेटेड अमाइनो एसिड कौन से हैं? MIT मोनो आइडोथायरोनिन, डाई आइडोथायरोनिन, ट्राई आइडोथायरोनिन एंड टेट्राइडोथायरोनिन। ये किस में हेल्पफुल होंगे? आपके थायराइड फंक्शन में। थायराइड क्या है आपकी बॉडी का? मास्टर ग्लैंड है जो कि आपके कैल्शियम को, आपके मिनरल्स को और आपका जो आयोडीन मेटाबॉलिज्म है उसे रेगुलेट करता है। अब है फंक्शन अमाइनो एसिड। जैसा कि अमाइनो एसिड जो है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके? प्रोटीन के। इस तरह से तमाम फंक्शन जो के प्रोटीन परफॉर्म करती हैं वही किसका फंक्शन है? अमाइनो एसिड्स का फंक्शन है। वो तमाम फंक्शन जो के प्रोटीन परफॉर्म करते हैं वही फंक्शन जो है वो अमाइनो एसिड्स के फंक्शन है। प्रोटीन आपकी प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में और सेल मेम्ब्रेन में, चूँकि ये क्या है आपकी
बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसलिए बीन्स आपकी जो दालें हैं, जो पल्सेस हैं खाने में जो प्रेजेंट होती हैं, उसमें भी तकरीबन 20% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसी तरह से ये चूँकि आपके स्ट्रक्चर यूनिट में भी हेल्पफुल है, ये चीज़ें आपके जो फूड कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं उसमें भी हेल्पफुल हैं। इसके अलावा जो आपके डेली यूज़ आर्टिकल्स हैं, सपोज़ करें जो सिल्क है उसमें, लेदर जो है उसमें, और वूल है जो शाली वगैरह होती हैं उसमें भी किसका रोल है, आपके अमीनो एसिड या प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन नेचर, आपकी बॉडी में लातादाद इंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो भी क्या होते हैं, आपके प्रोटीन इन नेचर हैं। इसी तरह से हार्मोनल इफ़ेक्ट, आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स भी प्रेजेंट हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर हैं और वो बहुत सारे केमिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। यह हमारा आज का लेक्चर